नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे स्पर्श भाग दो से गिरगिट यह पाठ पढ़ेंगे। गिरगिट एक हमारा एक जानवर भी है, पशु भी कहेंगे उसको, जिसे वो रंग बदलता है। उसकी एक खासियत है कि वो अपना रंग अपने आप बदल देता है। तो पर ये एक गिरगिट की कहानी नहीं है, पर उसकी खासियत के आधारित पर ये एक कहानी है। तो ये देखेंगे इस कहानी में क्या दिया है। जैसे इस कहानी इस पाठ को पढ़ने के बाद आप में एक मतलब आपका क्या, आप इस पाठ से क्या सीख मिलेगी आपको इस पाठ से। जैसे मुखौटे द्वारा प्रदर्शित करके विद्यार्थी में इस केंद्रीय भाव को पकड़ने की समझ पैदा करना, आदर्शवादिता और व्यवहारिकता समझने के लिए गिरगिट की कहानी के पाठ का आप यहाँ तुलनात्मक प्रस्तुत वर्णन करेंगे और अलंकारित भाषा को पहचानने में आप सक्षम हो सकोगे। हम इस पाठ के लेखक का परिचय करेंगे। इस पाठ के लेखक है अंतोन चेखव। इनका जन्म 1860 में दक्षिण रूस तगनोर नगर में हुआ था और उनकी मृत्यु 1904 में हुई थी। इनका जन्म दक्षिण रूस में तगान रोग में 29 जनवरी 1860 में एक दुकानदार परिवार में हुआ था। 1868 और 1879 तक चेखव ने हाई स्कूल की शिक्षा ली। 1879 से और 1884 तक चेखव ने मास्को द मेडिकल कॉलेज में शिक्षा पूरी की और डॉक्टरी करने लगे। 1880 के चेखव ने अपनी पहली कहानी प्रकाशित की और 1884 में इसका प्रथम कहानी संग्रह निकला। 1886 में रंगी बिरंगी कहानियां नामक संग्रह प्रकाशित हुआ और 1887 में पहला नाटक इवानव यह प्रकाशित हुआ। 1819 में चेखव ने सखालिन द्वीप की यात्रा की, जहां उन्होंने देशवासियों लोगों की कष्टमय जीवन का अध्ययन किया। इस यात्रा के फलस्वरूप सखालिन द्वीप नामक पुस्तक लिखी। 1892 में और 1899 तक चेखव मास्को द कनटीवर्ती ग्राम मेलिखो में रहे और इन वर्ष में अकाल के समय चेखव ने किसानों की सहायता का आयोजन किया था और हैजे के प्रकोप से समय सक्रिय रूप से डॉक्टरी करते रहे। और 1899 में चेखव बीमार पड़े और जिससे वे क्रीम यानी क्राइमिया के यालता नगर में बस गए और वहाँ चेखव का गोर्गी से परिचय हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी ये जीवन यात्रा की थी। तो आइए देखेंगे हम इस पाठ में उन्होंने क्या लिखा है।